हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीट चैम्स। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बिल्कुल नया वीडियो जेम ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि जेम ट्रांजैक्शन चार्जेस कैसे पे करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप 30 लाख से ऊपर का ऑर्डर रिसीव करते हैं तो आपको जेम में ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट करें 8120812811 पर। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे पेड सर्विसेज ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लॉग इन करना है आपके जेम की वेबसाइट पर विद द हेल्प ऑफ योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। इसके बाद आपको जाना है ऑर्डर्स के अंदर। ऑर्डर्स के अंदर आपको उस पर्टिकुलर ऑर्डर पे जाना है जो कि आपको 30 लाख से ऊपर का आया है। अब यहां पर जब आप इस पे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे यहां पर मेरे सामने दिख रहा है एक ऑर्डर जो कि 50,66,000 का है। एक्सेप्ट में अगर क्लिक करता हूं तो ये मेरे से कुछ डिटेल मांगता है। एक्सेप्ट ऑर्डर के साथ यहां पर मेरे को एड्रेस सेलेक्ट करना है। अब ये मुझे कुछ चार्जेस पे करने के लिए बोल रहा है जो कि है 0.5% ऑफ द टोटल इनवॉइस वैल्यू एंड देन 18% जीएसटी ऑफ दैट 0.5%। तो यहाँ पर मेरे को एक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, मैं स्टेट बैंक यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ। सबमिट मैंने किया, नेट बैंकिंग के थ्रू मैं यहाँ पर ये पेमेंट करूँगा और यहाँ पर मैंने SBI की नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना पसंद किया है। यूज़र नेम पासवर्ड आपको एंटर करना है जैसे नॉर्मली आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल्स आ जाएंगी जैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, बेनिफिशियर नेम। तो दोस्तों, ये जो चार्जेस होते हैं ये जेम के चार्जेस हैं। तो 0.5% ऑफ इन्वॉइस वैल्यू प्लस 18% ऑफ डेट इन्वॉइस वैल्यू का 0.5% का जो चार्जेस रहते हैं वो जेम लेता है आपसे। वो लेता है आपके 30 लाख के ऑर्डर के एवज में। और फिर उसके बाद आपको ये पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट रिसीप्ट भी दिख जाती है। आप यू पेमेंट रिसीप्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो ये जो पेमेंट रिसीट होती है डाउनलोड हो जाएगी। देखिए, जैसा मैं यहाँ पर अभी करके देखता हूँ, व्यू पेमेंट रिसीट के अंदर क्लिक किया मैंने और ये मुझे सेव करने का लोकेशन पूछ रहा है। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। देखते हैं ये कैसी रिसीट जनरेट होती है इसमें। ये देखिए, यहाँ पर रिसीट आ गई है और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने मुझे रिसीट दी है। OTP मैंने एंटर किया और जैसा नॉर्मली ऑर्डर एक्सेप्ट होता है, यहाँ पर मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट हो चुका है। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है जो कि जेम से मुझे मिला है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारा चैनल स्वीट चाइम्स। प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें 8120812811 पर अगर कोई भी आपको पेड सर्विस चाहिए तो। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।